जब भी डोरी पाइपिंग लगाए ना तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो गले का ये मार्किंग कर लेना चाहिए। गले के मार्किंग करने से क्या होता है कि आपका हुंकाई का पट्टी कभी भी पाइपिंग लगने के बाद छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद पाइपिंग को जब आप इसके ऊपर चढ़ाते हैं तो आप विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि गले की गोलाई पर हल्का सा पाइपिंग को आपको हल्का सा खींचना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये गले की जितनी भी गोलाई आपको, चाहे वो फ्रंट की मिले चाहे बैक की, आपको हल्का हल्का खींचना है। थोड़ा सा शोल्डर के पास भी खींच के रखना है जिससे शोल्डर पे दबाव अच्छा रहता है। उसके बाद आप इसको फोल्ड करके इस तरह से मोड़ते हुए एक यहाँ पर फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे। पहले हम यहाँ पर तुरपाई करते थे लेकिन आजकल सभी लोग इसमें सिलाई लगाते हैं, कौन तुरपाई का झंझट पालेगा, है ना। डोरी पाइपिंग 7-8 तरीकों से लगाया जा सकता है। अगर आप लोग सभी तरह के तरीके जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करें इस वीडियो के नीचे, मैं ज़रूर से आप लोगों से शेयर करूँगा। बाकी आप हमारे YouTube चैनल दिलीप टेलर्स पर देख ही सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और हमें फॉलो नहीं किया तो अभी तक ज़रूर से फॉलो भी कर लेना।